ओम शांति। आज बाबा के 4 अक्टूबर 2020 के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों को हम सब अटेंशन से सुनेंगे और सभी इम्पोर्टेंट बातों को अपनी डायरी में नोट करेंगे और दिन भर में उनको रिवाइज करते हुए उसका स्वरूप बनेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल सुनना नहीं वैसा बनना है। आज की मुरली में बाबा ने दृढ़ संकल्प का महत्व समझाया कि दृढ़ता के द्वारा आप स्वयं में परिवर्तन लाते हो। साथ साथ अगर किसी में कोई कमजोर संकल्प बार बार चलते हैं तो बाबा ने उसकी विधि बताई ठीक करने की, कि आप बाबा की मुरली को 2-4 बार ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो और रिवाइज करो। एक बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि आज बाबा सब बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे और इस विशेषताओं से ही आप बहुत भाग्यवान बच्चे बन गए। बाबा ने कहा कि इस समय स्नेह की शक्ति से ही आप में परिवर्तन आया है। यहाँ जब आप मिलने आते हो अव्यक्त बाप दादा से तो समय की सीमा है। जैसे मधुबन में मिलने के लिए जाते हैं, दादी जी के तन में प्रवेशता होती है तो समय की एक सीमा होती है कि हम कितनी देर तक मिल सकते हैं, कितनी देर तक बाबा की मुरली चलेगी, अव्यक्त दृष्टि से मुलाकात होगी। लेकिन बाबा ने कहा कि जब आप वतन में आते हो वो आपके मिलन के लिए कोई समय सीमा नहीं, कभी भी आ सकते हो, कितनी देर भी मिलन मना सकते हो, क्योंकि वो हमें बुद्धि से मिलन मनाना होता है, मन बुद्धि से बाबा के पास जाना होता है। इस तरह से बाबा ने आज की मुरली में बहुत ही सुंदर सुंदर बातों को स्पष्ट किया और बाबा के सामने निमित्त मात्र डबल विदेशी ग्रुप बैठा हुआ है। हर एक ही अनुभव करे बाबा ने जो कहा वो मेरे लिए कहा। वैसे तो हम सब विदेशी हैं क्योंकि परमधाम से यहाँ पर पार्ट बजाने के लिए आए हैं, लेकिन जो विदेश में रहने वाले भाई बहने हैं वो भारत से भी दूर हो गए, इसलिए बाबा उनको डबल विदेशी कहते हैं। अब हम सुनते हैं आज की बाबा की रूहान, बाबा की बातचीत बाबा के शब्दों में। मुरली का सार है डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूहान, बाप दादा की मुलाकात, बच्चों के साथ बातचीत। आज बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में इमर्ज कर सब बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। आप साथ साथ चित्र बनाएंगे कि बाबा ने हमें भी वतन में इमर्ज किया और हमारी विशेषताओं को देखा, क्योंकि सभी बच्चे विशेष आत्माएं हैं तभी बाबा के बने हैं, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बने हैं। सभी बच्चे बाबा के बने अर्थात भाग्यवान बने, विशेष सभी हैं फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। तो आज बाप दादा बच्चों को विशेष रूप से देख रहे थे। थोड़े समय में चारों ओर के भिन्न भिन्न रीति रसम मान्यताएं होते हुए एक मान्यता वाले एक मत वाले बन गए। भिन्न भिन्न रीति रसम है डबल विदेशी भाई बहनों की, फिर भी बाबा ने कहा एक मत वाले बन गए। बाप दादा विशेष दो विशेषताएं मेजोरिटी में देख रहे हैं। एक तो स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं, बाबा उनकी विशेषता बता रहे हैं कि स्नेह के संबंध में बहुत जल्दी बंध गए हैं। स्नेह के संबंध में ईश्वरीय परिवार का बनने में, बाप का बनने में अच्छा सहयोग दिया है। बाबा के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ, इस कारण परिवर्तन शक्ति को सहज प्रैक्टिकल में लाया। स्नेह में आने की विशेषता, स्नेह के कारण परिवर्तन शक्ति सहज प्रैक्टिकल में लाया। स्व परिवर्तन साथ साथ हम जिन्स के परिवर्तन में अच्छी लगन से आगे बढ़ रहे हैं। खुद में भी बदलाव, अपने हम जिन्स में भी, साथियों में भी बदलाव लाने में आगे बढ़ रहे हैं। तो स्नेह की शक्ति और परिवर्तन करने की शक्ति दोनों विशेषताओं को हिम्मत से धारण कर
अच्छा सबूत दिखा रहे हैं। आज वतन में बाप दादा आपस में बच्चों की विशेषता पर रूरूहान कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा बच्चों की विशेषताओं पर आपस में रूरूहान कर रहे थे। नहीं, जैसे घर में बच्चे के गुण पर कभी कभी माता पिता विचार करते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही वतन में बाबा विशेषता पर रूरूहान कर रहे थे। अब इस वर्ष के अव्यक्त का व्यक्त में मिलने का सीजन कहो व मिलन कहो समाप्त हो रहा है, तो बाप दादा सबकी रिजल्ट देख रहे थे। ये रिवाइज डेट मार्च मास की है, तो बाबा ने कहा कि क्योंकि वो सीजन का लास्ट था, तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के रिजल्ट देख रहे हैं। वैसे तो अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति से सदा का मिलन है ही और रहेगा। अव्यक्त रूप से बुद्धि योग के द्वारा कभी भी हम वतन में जा सकते हैं, बाबा से मिलकर शक्तियां ले सकते हैं, वरदान ले सकते हैं, वो मिलन तो सदा रहा है और रहेगा, लेकिन साकार रूप द्वारा मिलने का समय निश्चित करना पड़ता है। पहले जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आए बाबा, अभी गुलजार दादी के माध्यम से, तो बाबा ने कहा कि यहां पर तो समय निश्चित करना पड़ता है और इसमें समय की हद रखनी पड़ती है। अव्यक्त रूप के मिलन में समय की हद नहीं है, जो जितना चाहे उतना मिलन मना सकते हैं। अव्यक्त शक्ति की अनुभूति कर स्वयं को, सेवा को सदा आगे बढ़ा सकते हैं। फिर भी निश्चित समय के प्रमाण इस वर्ष की ये सीजन समाप्त हो रही है, लेकिन समाप्त नहीं, संपन्न बन रहे हैं। मिलना अर्थात समान बनना, समान बने होना, मिलना था समान बना, तो बाबा ने कहा आप समान बन रहे हो ना, तो समाप्ति नहीं, भले सीजन का समय तो समाप्त हो रहा है, लेकिन स्वयं समान और संपन्न बन गए। इसलिए बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को वतन में देख हर्षित हो रहे हैं। कोई साकार में तो कोई भी आ सकता है, क्योंकि साकार में तो कोई भी आ सकता है, कोई नहीं भी आ सकता, ऐसा भी होता है। साकार में सीमा होती है कि कौन पहुंच पाएगा, ट्रेन के द्वारा, प्लेन के द्वारा कोई पहुंच सकता है, कोई नहीं पहुंच सकता, इसलिए अपना चित्र अथवा पत्र भेज देते हैं। जो नहीं पहुंच पाते तो जो जा रहे होते हैं वो उनको सोचते कि हमारा पत्र बाबा को दे देना, ग्रीटिंग दे देना, लेकिन अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर के संगठन को सहज इमर्ज कर सकता है। अव्यक्त रूप से तो बाबा पूरे विश्व की आत्माओं को इमर्ज कर सकता है, भले कोई प्लेन से नहीं पहुंच पाए, उनको भी बाबा वतन में इमर्ज कर लेते हैं। अगर यहां सभी को बुलाएं, फिर भी रहने आदि के सब साधन चाहिए ना, मधुबन में सबको बुलाएं, हेडक्वार्टर में तो रहने आदि के सभी साधन चाहिए, अव्यक्त वतन में इन स्थूल साधनों की आवश्यकता नहीं। मधुबन में आते तो रहने के लिए रूम चाहिए, भोजन की व्यवस्था चाहिए। बाबा कहते कि यहां जब आते हो अव्यक्त मिलन के लिए तो इन स्थूल साधनों की आवश्यकता नहीं, वहां तो सिर्फ डबल विदेशी क्या, सारे भारत के बच्चे भी इकट्ठे करो, ऐसे लगेगा जैसे बेहद का अव्यक्त वतन है। वहां भले कितने भी लाख हो, फिर भी ऐसे ही लगेगा जैसे छोटा सा संगठन दिखाई दे रहा है। अगर मूल वतन में ये सबको बुलाया जाए, चाहे भारत वाले हों, विदेश वाले हों, क्योंकि सब ज्योति बिंदु फॉर्म में है, तो बाबा कहते कितनी भी आत्माएं वहां पर एकत्रित हो जाएं, फिर भी ऐसे लगेगा छोटे से स्थान पर सब आ गए और छोटा सा वो संगठन दिखाई देगा। आज वतन में सिर्फ डबल विदेशियों को इमर्ज किया था। बाप दादा देख रहे थे भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होते हुए दृढ़ संकल्प से प्रगति बहुत अच्छी की है। अटेंशन देंगे, प्रगति का मंत्र कौन सा है, कि हमें दृढ़ संकल्प करना है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। बाबा देख रहे थे कि इनकी दृढ़ता की विशेषता अच्छी है, मेजॉरिटी उमंग उत्साह में चल रहे हैं। कोई कोई खेल दिखाने वाले होते ही हैं, लेकिन रिजल्ट में ये अंतर देखा। अगले वर्ष तक कंफ्यूज ज्यादा होते थे, लेकिन इस वर्ष के रिजल्ट में कई बच्चे पहले से मजबूत देखे। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं कि पहले जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे छोटी छोटी चीजों में, अब बाबा ने देखा कि उनका वो कंफ्यूजन ठीक होना शुरू हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे हम बाबा की मुरली सुनते जाते हैं, योग करते जाते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, मन की उलझन, मन की कंफ्यूजन
ठीक हो जाती है। तो बाबा ने कहा रिजल्ट में देखा कि कई बच्चे पहले से मजबूत हो गए, कोई कोई बाप दादा को खेल दिखाने वाले बच्चे भी देखे कंफ्यूज होने का खेल करते हैं। बाबा ने देखा कोई कोई बच्चे तो अच्छे हैं, दृढ़ संकल्प से प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई कोई कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको भी बाबा देख रहे हैं। उस समय का वीडियो निकाल बैठ देखो तो आपको बिल्कुल ड्रामा लगेगा, लेकिन पहले से अंतर है। अभी अनुभवी बनकर गंभीर भी बन गए हैं, पहले से उन्नति अच्छी की है, पहले से परिवर्तन अच्छा है, गंभीर भी बन रहे हैं अनुभवी बनकर। तो ये रिजल्ट देखी, पढ़ाई से प्यार, याद में रहने का उमंग बिन रीति रसम मान्यता को सहज ही बदल देता है। बाबा के प्रति प्यार, मुरली से प्यार, ये दो चीजें जिसमें भी आ जाती हैं तो उनकी परिवर्तन शक्ति बढ़ जाती है। सरल शब्दों में प्रतिदिन हम बाबा की बात सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो जिन पुरानी चीजों को हम ठीक करना चाहते हैं, अपनी पुरानी आदतों को, संस्कारों को, वो हम ठीक कर पाते हैं। ये रिजल्ट देखिए, पढ़ाई से प्यार, याद में रहने का उमंग बिन रीति रसम मान्यता को सहज बदल देता है। भारतवासियों को परिवर्तन होने में सहज है, देवताओं को जानते हैं, शास्त्रों के मिक्स नॉलेज को भी जानते हैं, तो मान्यताएं भारतवासियों के लिए इतनी नवीन नहीं है। फिर भी टोटल चार ओर के बच्चों में ऐसे निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं देखी। भारतवासियों के लिए बाबा की बातों को सुनना, अपनाना फिर भी सहज है, क्योंकि पहले से ही भक्ति की बैकग्राउंड बनी होती है तो समझ में आता है भक्ति का फल देने बाबा आया है। तो बाबा ने कहा कि उनके लिए तो फिर भी सहज है, लेकिन विदेशियों के लिए, क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, फिर भी वो बाबा की बातों को समझना शुरू कर रहे हैं। तो ये बाबा ने परिवर्तन देखा कि ये भी निश्चय बुद्धि, अटल अचल आत्माएं हैं। ऐसी निश्चय बुद्धि औरों को भी निश्चय बुद्धि बनाने में एग्जाम्पल बने हुए हैं। पर कि ब्रह्मा की रचना दो प्रकार की गाई हुई है। कौन से है ब्रह्मा की रचना? एक है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, दूसरी रचना ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। ध्यान से समझेंगे, एक तो डायरेक्ट जिन्होंने ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, जैसे हमारी दादियां हैं, वरिष्ठ भाई हैं, इन्होंने डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को देखा। एक है जो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद फिर बाबा के बने, जैसे हम सब बाबा की अव्यक्त रचना है। एक तो मुख वंशावली है और हम है संकल्प की रचना। जब बाबा साकार में थे तो बाबा हम सबको याद किया करते थे कि अंत में बच्चे आएंगे। आप सब भी जो सुन रहे हैं, अभी जुड़े हैं बाबा से, तो आप भी बाबा की संकल्प की रचना है। बाबा ने आपको संकल्पों में याद किया था कि नए नए बच्चे भी आएंगे और वो फास्ट चले जाएंगे। सरल शब्दों में जो विदेशी भाई बहने हैं, वो भी बाबा के संकल्प की रचना है। बिन बिन रसम रिवाज के पर्दे के अंदर होते भी अब बाबा के बन गए, ये बाबा की शक्तिशाली रचना है। कईयों का अनुभव भी है, जैसे बुद्धि को विशेष कोई प्रेरित करके समीप ला रहा है। ब्रह्मा के शक्तिशाली संकल्प के कारण ब्रह्मा के चित्र को देखते ही चैतन्यता का अनुभव होता है। चैतन्य संबंध के अनुभव से आगे बढ़ रहे हैं। तो बाप दादा रचना को देख हर्षित हो रहे हैं, अभी आगे और भी शक्तिशाली रचना का प्रत्यक्ष सबूत देते रहेंगे। आगे चलकर और भी बाबा की शक्तिशाली रचना तैयार होगी, वो भी सबूत देते रहेंगे। डबल विदेशियों की सेवा के समय के हिसाब से अब बचपन का समय समाप्त हुआ, अब अनुभवी बन औरों को अचल अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। बचपन में क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बातों में रुष्ट हो जाते हैं, चलते चलते परेशान हो जाते हैं। बाबा कहते हैं भी छोटी छोटी आदतें छोड़कर अनुभवी बन, अचल अडोल बन जाओ, औरों को भी अचल अडोल बनाओ। अभी खेल करने का समय समाप्त हो गया, अब सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। सदा समर्थ बन निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाते चलो। आप लोगों में निर्बलता के संस्कार होंगे तो दूसरों को निर्बल बनाएंगे। समय कम है, रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है, इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत हो गए, अभी तो संख्या और बढ़नी है। बाबा के बच्चे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। बाबा कहते इतने में खुश नहीं हो जाओ,
अभी तो और संख्या बढ़ने वाली है, लेकिन जैसे आपने इतना समय पालना ली और जिस विधि से आप लोगों ने पालना ली, अब वो परिवर्तन होता जाएगा। जैसे 50 वर्षों की पालना वाले गोल्डन जुबली वालों में और सिल्वर जुबली वालों में अंतर रहा, ऐसे पीछे आने वालों में अंतर होता जाएगा। तो थोड़े समय में उन्हें शक्तिशाली बनाना है, थोड़े से वक्त में ही आपको उन्हें शक्तिशाली बनाना है। स्वयं उनकी श्रेष्ठ भावना तो होगी ही, लेकिन आप सबको भी ऐसे थोड़े समय में आगे बढ़ने वाले बच्चों को अपने संबंध संपर्क का सहयोग देना है, जिससे उनको सहज आगे बढ़ने का उमंग और हिम्मत आए। आपको अपना साथ देकर उनमें हिम्मत और उमंग का संचार करना है। अब ये सेवा बहुत होनी है, सिर्फ अपने लिए शक्तियां जमा करने का समय नहीं, अपने साथ औरों के प्रति भी शक्तियां इतनी जमा करनी है जो औरों को भी सहयोग दे सको। सिर्फ सहयोग लेने वाले नहीं, देने वाले बनना है, दूसरी आत्माओं को सहयोग देने वाले बनना है। जिनको 2 वर्ष भी हो गया, उनके लिए 2 वर्ष भी कम नहीं, थोड़े समय में सब अनुभव करना है। जैसे वृक्ष में दिखाते हो ना, लास्ट आने वाली आत्माएं भी 4 स्टेजेस से पास होती हैं। जैसे कल्प वृक्ष में दिखाते हैं कि कोई आत्माएं लास्ट में भी आती हैं, तो भी उनको सतो प्रधान, सतो सामान्य, सतो रजोतमो से पास होना है। फिर चाहे 10-12 जन्म भी क्यों ना हो, कितने भी हो, तो पीछे आने वालों को भी थोड़े समय में सर्व शक्तियों का अनुभव करना ही है। स्टूडेंट लाइफ का भी साथ साथ सेवाधारी का भी अनुभव करना है। जो लास्ट में आने वाले, उनको भी स्टूडेंट लाइफ का और सेवाधारी का भी। ध्यान से समझेंगे, जब हम बाबा के बच्चे रोज पढ़ना शुरू करते हैं तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं, फिर जब हम यज्ञ की सेवाओं से जुड़ जाते हैं तो हम सेवाधारी भी हैं, तन से मन से धन से सेवा करने वाले। तो उनको ये भी अनुभव करना है। सेवाधारियों को सिर्फ कोर्स कराना या भाषण करना नहीं, सेवाधारी अर्थात सदा उमंग उत्साह का सहयोग देना, शक्तिशाली बनाने का सहयोग देना। सिर्फ भाषण करना ही सेवा नहीं, ज्ञान सुनाना ही सेवा नहीं, पर कोई आत्मा कमजोर है उसके अंदर बल का संचार करना, ये सहयोग भी देना है। थोड़े समय में सर्व सब्जेक्ट पास करनी है, इतना तीव्र गति से करेंगे तभी तो पहुंचेंगे ना। इसलिए एक दो का सहयोगी बनना, एक दो के योगी नहीं बन जाना, एक दो से योग लगाना नहीं शुरू कर देना, एक दूसरे से योग लगाना नहीं शुरू कर देना कि हम बाबा को भूल कर जो सहयोग दे उसी को ही याद करने लग जाएं। ऐसे नहीं, याद बाबा को करना है। सहयोगी आत्मा सदा सहयोग से बाबा के समीप और समान बना देती है। आप समान नहीं, बाप समान बनाना है। किसी को भी आप समान नहीं, बाप समान बनाना है। सरल शब्दों में किसी को भी बाबा के साथ जोड़ना है, अपने साथ नहीं। जो भी अपने में कमजोरी हो उसको यहां ही छोड़ के जाना, विदेश में नहीं ले जाना। शक्तिशाली आत्मा बन, शक्तिशाली बनाना है। होमवर्क है ये हम सभी के लिए। शक्तिशाली पहले बनना है, फिर औरों को बनाना है। यहां विशेष दृढ़ संकल्प स्मृति में हो। कौन सा संकल्प काम आएगा? दृढ़ संकल्प कि मुझे सदा शक्तिशाली रहना है, छोटी छोटी बातें मेरी शक्ति को कम ना कर दें, हिला ना दें। अच्छा, सबको ये खुशी है ना कि वैरायटी होते भी हम एक के बन गए, वैरायटी होते भी अलग अलग कल्चर से आते भी हम सब एक के बन गए। अभी अलग अलग मत नहीं है, एक ही ईश्वरीय मत पे चलने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों की भाषा भी एक ही है, एक बाप के हैं और एक बाप की नॉलेज औरों को भी दे। सबको बाबा का बनाना है, हम सब एक बाबा के हैं। उन दूसरों को भी बाबा की नॉलेज देकर बाबा का बनाना है। कितना बड़ा श्रेष्ठ परिवार है, जहां जाओ जिस भी देश में जाओ, ये नशा है कि हमारा अपना घर है। हम विश्व के किसी भी कोने में जाएं, जहां जाएंगे वहीं पर ही सेंटर है। तो हम सबको लगता है कि हमारा घर पूरे विश्व में हर स्थान पर है। तो कितना बड़ा आपका बाबा के तेरे घर है, कितना बड़ा परिवार है। जहां जाओ जिस देश में जाओ, ये नशा है कि हमारा अपना घर है। जहां भी हमें झंडा दिखाई देता है, बोर्ड दिखाई देता है, बाबा के बच्चे दिखाई देते हैं बैच लगाए हुए, तो क्या लगता है कि ये हमारा अपना घर है। सेवा स्थान अर्थात अपना घर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको इतने सारे घर हों। अगर आप लोगों से कोई पूछे आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, आपके परिचित कहाँ कहाँ रहते हैं, कहेंगे सारे वर्ल्ड में। जहां जाओ अपना ही परिवार है,
कितने बेहद के अधिकारी हो गए, सेवाधारी हो गए। सेवाधारी बनना अर्थात अधिकारी बनना, ये बेहद की रूहानी खुशी है। अभी हर स्थान पर अपनी शक्तिशाली स्थिति से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। पहले थोड़ी मेहनत लगती है, फिर थोड़े एग्जाम्पल बन जाते हैं, उनको देखकर दूसरे आगे बढ़ते हैं। कोई भी सेंटर खोलते हैं, शुरू में मेहनत लगती है, थोड़े से अच्छे बाबा के बच्चे वहां तैयार हो जाते हैं, उन सैंपल को देखकर और तैयार हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाप दादा सब बच्चों को यही श्रेष्ठ संकल्प बार बार स्मृति में दिलाते हैं, सदा स्वयं भी याद और सेवा के उमंग उत्साह में रहेंगे, खुशी खुशी से आगे तीव्र गति से बढ़ते चलो, दूसरों को भी उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते चलो। पहले खुद उमंग उत्साह में रहो, औरों को भी उमंग उत्साह में लाते आगे बढ़ाते चलो। चारों ओर के साकार में नहीं पहुंच सके, उनके चित्र और पत्र पहुंच गए। कोई ने सोचा था, प्लान किया था मधुबन जाएंगे, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने पत्र भेजे, अपने चित्र भेजे, सबके रिस्पॉन्ड में बाप दादा पदम गुणा दिल का याद प्यार दे रहे हैं। जिन्होंने भी पत्र भेजा, चित्र भेजा, ग्रीटिंग भेजा, बाबा सभी को दिल से याद प्यार दे रहे हैं। जितना अभी उमंग उत्साह खुशी है, उससे और पदम गुणा बढ़ाओ। कोई कोई ने अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है, अब ध्यान से सुनेंगे, कमजोरियां कैसे मिटानी है। हर एक में कोई ना कोई कमजोरी है ना, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, तो कमजोरियों को कैसे मिटाना है वो बाबा ने आज विधि बताई। अपनी कमजोरियों का समाचार भी लिखा है, उनके लिए बाप दादा कहते हैं लिखा अर्थात बाबा को दे दिया। कोई कोई पत्र लिखते हैं बाबा को, बाबा मुझ में ये कमी है। जिस घड़ी आपने सोचा कि मैंने बाबा को लिख के देना है, पेन उठाया, लिखना शुरू किया, बाबा के पास पहुंच गया। दी हुई चीज फिर अपने पास नहीं रह सकती, कमजोरी दे दी फिर उसको संकल्प में भी नहीं लाना। कमजोरी दे दी बाबा को, लिख के दे दी, फिर उसको बार बार बुद्धि में याद नहीं करना। तीसरी बात, कभी भी किसी भी स्वयं के संस्कार व संगठन के संस्कारों या वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त नहीं होना। कभी कभी अपनी कमजोरी से दिल शिकस्त हो जाते हैं, उसके लिए विधि बताई, लिखकर बाबा को दे दो। कोई कोई अपनी नहीं पर दूसरों की कमियों से विचलित हो जाते हैं, उनके व्यवहार से विचलित हो जाते हैं, वायुमंडल की हलचल से दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो उसके लिए बाबा ने समाधान बताया, सदा बाबा को कंबाइंड रूप में रख, दिल शिकस्त से शक्तिशाली बन, आगे उड़ते रहो। बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, बाबा को जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे बाबा को अपने साथ रखो, तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे, डिसार्टेड नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। हिसाब किताब चुकता हुआ अर्थात बोझ उतरा, खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। जहां भी हिसाब किताब है, खुशी खुशी से भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी हैं, ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जो व्यर्थ सोचते रहते हैं, ये व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं, दो चार बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ, मुरली सर्वश्रेष्ठ खजाना है। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बात हमें सिखाई कि उठते न्यूज़पेपर नहीं, मुरली से दिन की शुरुआत करो, ताकि अच्छी अच्छी बातें बुद्धि में घूमती रहे, व्यर्थ का किचड़ा निकल जाए। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? बाबा कहते, बाबा की बात को समझा? बहुत ही सुंदर शब्दों में बाबा ने पक्का कराया। अच्छा, चारों ओर के सब बच्चों को विशेष स्नेह संपन्न याद प्यार, सदा स्नेही शक्तिशाली बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुख्य बात रिवाइज कर लेंगे। बाबा ने बच्चों की विशेषताएं देखी, स्नेह की शक्ति, परिवर्तन शक्ति को देखा, वतन का निमंत्रण दिया, जितनी देर चाहो मिलन मनाओ। आज का वरदान, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव।
रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो। बाहर से कोई भी आते हैं, वहां के वातावरण से, परिस्थितियों से थके हुए आते हैं, तो सेंटर का वातावरण रूहानी हो, सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे ये स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन है, वरदानी बन, शुभ भावना शुभकामना का वरदान देते रहो। वरदानी बन, शुभ भावना शुभकामना का वरदान देते रहो। आज हम बाबा से वायदा करेंगे, हम सदा शक्तिशाली बन, औरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने, उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।